हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। आज मैं स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोडक्टिव नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एक कंसिस्टेंट नाइट रूटीन आपको हेल्प करेगा रिलैक्स, रिचार्ज और नेक्स्ट डे को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप लोग ना एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट मॉर्निंग रूटीन है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट इवनिंग टू नाइट रूटीन भी है। और ये तो बिल्कुल सच बात है कि अगर आपका नाइट रूटीन सही नहीं है ना, तो आप अपने मॉर्निंग रूटीन को प्रोडक्टिव बना ही नहीं सकते। और एक सक्सेसफुल मॉर्निंग के लिए ना, आपको एक रात पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा और कुछ चीजों की तैयारी भी। सुबह स्कूल कॉलेज से लेकर शाम को कोचिंग तक का ना बच्चों का पूरा टाइम पैक होता है, और असली इवनिंग रूटीन उसके बाद ही शुरू होता है। इसलिए जैसे आप अपनी कोचिंग से वापस आ जाए ना, और जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं वो शाम को अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करते होंगे, तो आपको ना सबसे पहले तो अपने सारे स्टडी का जो भी सामान आपने इधर उधर निकाला है उसको सही जगहों पर रखना है। दोबारा से स्टडी करने के लिए नहीं बैठना है ना, तो आप अपने स्कूल कॉलेज का बैग भी इसी टाइम पर पैक करके रख लीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले ना, आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन को चार्ज पर लगा लीजिए, ताकि आप बचा हुआ समय इनको यूज करने में ना वेस्ट करें। अगर आपका डिनर रात को 8 या 9 बजे बनता है ना, तो स्टडी करने के बाद एक हेल्दी स्नैक आप जरूर खाइए, क्योंकि दिन के लंच से लेकर रात के डिनर तक ना बहुत लंबा टाइम हो जाता है, और अगर इस बीच में आप कुछ नहीं खाएंगे ना, तो आपको बाकी काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी। इस टाइम के लिए ना आप अपने पास कुछ क्विक ऑप्शंस रखा करो, ताकि आप जल्दी से बनाकर जल्दी खा लो। मैं तो ना यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड को पीनट बटर के साथ खा रही हूँ। इसमें कोई भी मैदा नहीं होता है, इसलिए आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। जो भी आपने खाया है ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने में आधे घंटे के करीब का समय तो लगेगा ही। इतनी देर में आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और चीजें कर सकते हैं। अगर आपके पास पेट है तो आप उनके साथ खेल सकते हैं, और अगर आपको इंडोर गेम खेलना पसंद है जैसे कि लूडो, चेस, तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ वो भी कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं पसंद ना, तो आप बाहर गली में या फिर पार्क में जाकर थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं, बैडमिंटन या अपने दोस्तों के साथ कुछ भी खेल सकते हैं। हम तो ना सभी थोड़े टाइम के लिए एक साथ छत पर चले जाते हैं अपने मुस्सू सिंह के साथ, उसके साथ ही खेलते रहते हैं। और इसको तो छत पर जाना इतना ज्यादा पसंद है ना, कि अगर हम में से कोई भी सीढ़ियां चढ़ता है ना, तो हमसे पहले पहुंच जाता है। और छत पर पहुंचते ही ना इधर उधर भागेगा, छोटी से छोटी चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। दिन भर ना नीचे बैठे बैठे ये बोर हो जाता है, और जैसे ही हम इसको कोई नई जगह लेकर जाते हैं ना, ये एकदम से खुश हो जाता है। और ये बात ना सब पे लागू होती है। अगर आप दिन भर घर पे रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे ना, तो ना ही आप लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, और ना ही अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे। और ये ना थोड़ा थोड़ा हर पौधों पर जाता है और उसका टेस्ट लेता है, और यहाँ पर मिर्ची का पौधा लगा हुआ था, इसने हल्का सा वो भी टेस्ट कर लिया। अब अपने आगे के काम करने से पहले ना, जितना हो सके उतने कंफर्टेबल कपड़े निकाल लीजिए पहनने के लिए, और साथ में अपने बालों को भी अच्छे से बांध लीजिए। अपनी कल की कुछ तैयारी। सबसे पहले तो अगर आपने अपने स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म धोने के लिए रखी है ना, तो उसको छत से लाकर अच्छे से प्रेस कर अलमारी में रख दीजिए। यूनिफॉर्म में ना आपके सॉक्स भी आते हैं, और उन पर हम उतना खास ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि आप उनको रेगुलर वॉश करें और अपने जूतों से बाहर निकाल कर ही रखें। यूनिफॉर्म डन होने के बाद ना, आप जो भी आउटफिट कल पहनने की सोच रहे हैं, उसको आपको रात को ही डिसाइड करके ना अपनी अलमीरा में सेपरेटली रख लेना है। अब इसके बाद ना हम लास्ट में अपनी एक्सरसाइज के कपड़े रखेंगे। अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं, सुबह जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इसके लिए आप रात को ही अपने कपड़े साइड में रख लीजिए। इसके बाद ना आप साथ में ही अपनी मॉर्निंग के लिए थोड़े से आलमंड्स भी भिगोकर रख लीजिए। ये इतना छोटा सा काम है ना, कि बार बार मिस हो जाता है, इसलिए इन सारे कामों के साथ ही आप इसको कर लीजिए। इतनी सारी वीडियोस में बताने के बाद शायद अब तक तो आपको ना टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट हो ही गई होगी। तो जो भी आपने अपनी मॉर्निंग में या फिर दिन में टू डू लिस्ट बनाई थी ना, अब आप उसको चेक करने के लिए बैठिए कि आपने उसमें से कितना काम कर लिया है और कितना काम आपका रह गया है। और कोशिश आपको यही करनी है कि इस टाइम तक आपके सारे काम हो गए हों।
देखो पूरे दिन बिजी होने की वजह से हम अपनी मम्मा की ज्यादा बड़ी हेल्प तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वेजिटेबल कट करने जैसी छोटी हेल्प तो कर ही सकते हैं। मम्मी डिनर में मटर नहीं बना रही है, लेकिन उनको सुबह के लिए मटर चाहिए इसलिए मैंने रात को ही छील दिए। इसके बाद आप अपना डिनर कर लीजिए और डिनर में ना सलाद जरूर इंक्लूड करिए। बाद ना आपको 15 से 20 मिनट वॉक करनी है, और आज ना मैं आपको एक वैलिड रीजन देती हूँ। जब आप मून के नीचे थोड़ी देर वॉक करते हैं ना, तो ये आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और एकेडमिक हर चीज के लिए बेनिफिशियल है। और अगर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो अभी जाकर गूगल कर देख लेना। रात को आप अच्छे से स्किन केयर करके सोते हैं या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ ये फ्रेश एलोवेरा जेल लगाकर सोएंगे ना, तो ये आपकी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा, जैसे कि स्मूथ मॉइस्चराइज स्किन, और ये पिंपल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब एक हैबिट जो आपको रात को सोने से पहले जरूर ही डेवलप करनी है, वो है कि अच्छे से अपने दोनों पैरों को आगे पीछे से क्लीन करना। आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, फिर घर में भी दिन भर नंगे पैर ही रहते हैं, और फिर वही गंदे पैरों के साथ जब आप रात को सोते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी हाइजीनिक और हेल्दी नहीं लगता। इसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके ना आपको अपनी फुल बॉडी की अच्छे से मसाज करनी है, तलवों पर तेल लगाना है, नेवल में तेल लगाना है, और फिर ना अपने आप को आराम से नींद देने के लिए कंफर्टेबल सा बेड तैयार करना है, और सोने से पहले ना बस एक छोटा सा काम और कर लेना, एक गिलास गर्म दूध ले लेना, और साथ में कोई भी एक अच्छी सी बुक रीड कर लेना, और बुक ऐसी रीड करना जो कहीं ना कहीं आपको कुछ बेटर करने के लिए मोटिवेट करे, क्योंकि रात को सोने से पहले हम जो भी चीज पढ़ते या देखते हैं ना, उसके बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंसर्ट होने के। अब लगाओ अपने मॉर्निंग का अलार्म, और यहीं पर ही आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके बाय।